महिलाओं पर हो रहे यौन हिंसा के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाने की मांग को लेकर मातृशक्ति प्रयास संगठन द्वारा मंगलवार को रैदोपुर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व इंदु प्रभा पाठक ने किया। तो वही संगठन के साथी ने मौन रखकर समाज को आवाज उठाने का दम भरा। बताते चले कि प्रयास महिला मोर्चा के इंदु प्रभा पाठक ने कहा कि कड़े कानून को भय अगर अंतरिंदों के मन में नहीं है तो इसे कठोरतम बनाकर सरकार यौन हिंसा पर विराम क्यों नहीं लगाती। आईपीसी सीपीसी में बदलाव से सरकार के हिचक उनकी मानसिकता को दर्शा रही, जबकि आज सरकार बड़े बेटियां पढ़े बेटियों का नारा बुलंद कर रही है, वहीं बच्चियों की सुरक्षा नाकाफी है। आगे कहा कि नारी स्वाभिमान का प्रश्न अकेली नारी का नहीं है, वरना समाज को संबल देने आगे आना पड़ेगा। अगर महिलाएं महफूज नहीं है तो देश की प्रभुता किस काम की। ऐसी घटनाएं शर्मनाक है जिस पर प्रयास संगठन चुप नहीं बैठेगा। और अभिभावकों के साय में ही महिलाओं को घरों से निकलना पड़ेगा तो आजादी बेईमानी नजर आती है। आखिरकार अकेली महिला कब तक अपने साथ अपने परिजनों को लेकर चलेगी। सरकार को कठोर कानून बनाकर मिसाल देना ही होगा। इंजीनियर उच्च शिक्षित महिलाएं भी दरिंदगी की हाथों महफूज नहीं है। आखिर कैसा समाज हम सब बनाना चाहते हैं। निर्भया हत्याकांड के बाद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लचीले कानून पर अब सोचने को विवश कर दिया है। अगर सरकार समय रहते नहीं चेती तो पीड़ित के परिजन या समाज के लोग भी कानून के खिलाफ मुखर हो जाएंगे, इसे रोक पाना मुश्किल होगा। इस अवसर पर आंचल, आरिफा खातून, नीलम कुमारी, नीतू प्रजापति, अनामिका विश्वकर्मा, सोनाली चौहान, प्रिया यादव, इंदु प्रकाश पाठक, शमशाद अहमद, डॉक्टर सैलू मौजूद रहे। पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ, एलएलबी की थर्ड सेमेस्टर की। आज हम लोगों ने प्रयास सामाजिक संगठन की तरफ से इसके रेपिस्टियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, क्योंकि आए दिन हम कह सकते हैं दिन में 2400 छः महीने की बच्ची से लेकर के 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ समाज में रेप हो रहा है और ऐसी जगह हत्या कर दी जा रही है उसकी कि साक्ष्य तक मिटा दिए जा रहे हैं। अब बताइए हम लोगों का समाज में कहाँ तक सुरक्षा है, कब तक हम अपने अभिभावकों के अंडर में घूमेंगे और गवर्नमेंट हम लोगों के लिए कर क्या रही है, हम लोगों की स्वतंत्रता कहाँ तक है ये हम जानना चाहते हैं। हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित कहाँ तक है? सरकार कानून बना रही है, कानून फॉलो नहीं हो रहा है, सालों लग जा रहे हैं उनको जस्टिस मिलने में, हम लोगों के गार्जियन तक का पता नहीं चल रहा है, हम लोगों को जस्टिस कहाँ से मिल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। बस हमको ये जानना है गवर्नमेंट से कि रेपिस्टियों के विरुद्ध वो करना क्या चाह रही है और हम लोगों को कहाँ तक वो सुरक्षित रख रही है, हम लोगों की स्वतंत्रता और समानता कहाँ से मिल रही है, कैसे क्या कर रही है। और अभी अभी जो हैदराबाद प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ है बहुत ही शर्मनाक है। इसको कितना भी कहा जा सके, कितना भी शब्दों में कहा जा सके, कुछ भी कहा जा सके, बहुत ही कम है। नहीं है, हमें सब बेकार लग रहा है, कुछ भी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या है? बेटी बच रही है? बेटी कहाँ बच रही है? बेटी तो आए दिन रोडों पे खींच के उसका मजाक बनाया जा रहा है, बेटी बच ही नहीं रही है। स्लोगन लगाने से कुछ नहीं होगा, कानून बनाओ, उनको फांसी दो, जितना सख्त हो सके उतना बनाओ। अच्छा, बस मेरा मतलब ये है कि अगर रेपिस्टों को सजा देनी है तो फांसी की सजा दो, वरना कुछ नहीं है तुम लोग कर सकते। अच्छा, हो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। निर्भया के साथ यही हुआ था, यही हुआ था, आज तक नहीं हुई, होगा भी नहीं। जो गवर्नमेंट है कुछ नहीं कर पाएगी। बस ऐसा होता था कि आईपीसी में 303 के तहत केवल ऐसा था कि राजद्रोह अगर कोई करता है तो उसके अगेंस्ट केवल फांसी की सजा थी। लेकिन हम तो ये चाहते हैं, अगर मेरा मानना है, रेपिस्टियों को बस फांसी के लिए और कोई सजा उनके लिए बनाई ही ना जाए। अगर कोई रेप करता है तो उन्हें फांसी दी जाएगी, बस।